फ्रेंड प्रॉप्शन के एक और जैकपॉट ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कशन करने के लिए आज हमने फिर से निफ्टी 50 का इंडेक्स लिया हुआ है। लास्ट वीक में बहुत ही पैनिक सेलिंग हमें देखने के लिए मिली थी मार्केट में, और उसके बाद फ्राइडे को जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो वो ओपनिंग जो था वो 21,800 के लेवल के आसपास थी, और वहीं पर एक हमें एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देखने के लिए मिला था। मार्केट में यहाँ पर कुछ समय स्पेंड करने के बाद एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन फॉर्म हुआ, और जब उस डबल बॉटम का फॉर्मेशन को जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा था 21,900 को, तभी हमने 22,000 के कॉल में 130 रुपीज़ के आसपास एंट्री बना ली थी। और आप निफ्टी के चार्ट में देख सकते थे कि फ्राइडे के दिन में एक मार्केट में हमें शानदार रिकवरी देखने के लिए मिली, और मार्केट जो है 22,150 के आसपास जाकर क्लोज हुआ था। आज फिर से मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है 150-180 पॉइंट्स के आसपास। तो यहाँ पर भी हमें जो आज का हाई लग चुका है वो 22,350 के आसपास का है, मतलब मार्केट बॉटम लेवल से सीधा 500 पॉइंट्स रिकवर कर चुका है ओनली इन टू डेज। हमने जो एंट्री बना ली थी वो 22,000 के कॉल में बनाई थी 130 रुपीज़ के आसपास, जिसका हाई लग चुका है 350 का, जिसमें हमें प्रॉफिट हो चुका है 11,000 पर लॉट। सिमिलरली हम यही 22,050 का कॉल जो है वो ऑन टेलीग्राम चैनल हमने दिया था 130 रुपीज़ के आसपास, इसका भी हाई लग चुका है 290 का, यहाँ पर भी प्रॉफिट हमें 8,000 पर लॉट हो चुका है। और एक ट्रेड हमने BTST के तौर पर दिया था 22,150 का कॉल 130 रुपीज़ के आसपास, जब मार्केट फ्राइडे के दिन क्लोज हो चुका था, और आज गैप अप ओपनिंग की वजह से ये कॉल 200 रुपीज़ पर ओपन हुआ है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करते हुए नीचे आया, और यहाँ से फिर से बॉटम बनाकर 215 रुपीज़ का अभी तक का हाई लग चुका है, जिसमें हमें प्रॉफिट हो चुका है 4,250 पर लॉट। आपको इस तरह से ट्रेड लॉजिक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।